और बच्चों कैसे हो? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई घर में अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह उपयोजित लेखन पर आधारित है। उपयोजित लेखन बोलिए या रचना विभाग बोलिए, तो इसके आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा गद्य आकलन और दूसरा है कहानी लेखन। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा में कंपलसरी होते हैं और 5 से 6 अंक के आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गद्य आकलन क्या होता है। गद्य आकलन में आपको एक 100 से 120 शब्दों का गद्यांश दिया रहेगा। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं रहेगा, ये अपठित गद्यांश रहता है। उस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? जब पेपर में आता है तो उस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप उस परिच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न तैयार करेंगे। आप 5 से ज़्यादा भी प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 5 प्रश्न बनाने ही बनाने हैं। तो प्रश्न बनाते समय आपको इन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, गद्य खंड को अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो, ठीक है? अब आप प्रश्न मान लो कि मैंने आपको दिल्ली से संबंधित, दिल्ली की जानकारी से संबंधित आपको एक परिच्छेद दिया और आपको उस पर आधारित प्रश्न बनाने हैं, ठीक है? तो जब आप प्रश्न बनाओगे उस परिच्छेद पर आधारित, तो आप ऐसे प्रश्न नहीं बनाओगे जिनके उत्तर हाँ, ना, सत्य, असत्य या ऐसे हों। आपको प्रश्न कैसे बनाने हैं? आपको प्रश्न ऐसे बनाने हैं जिनके उत्तर कम से कम एक वाक्य में हो। जैसे कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो ये एक वाक्य का हो गया। तो प्रश्न निर्मित करते समय आप गद्य खंड को पहले बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर ऐसे प्रश्न बनाओगे जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। दूसरी बात, उत्तर गद्य खंड में उपलब्ध हो। ये जो गद्य आकलन का प्रश्न होता है, इसमें आपके जीके का टेस्ट नहीं होता, आपके सामान्य ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है, ठीक है? गद्य खंड में जिन प्रश्नों के उत्तर हो वही प्रश्न आप बनाएंगे जिससे वो आसानी से मिल सके। तीसरा, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। हमेशा ऐसे प्रश्न की निर्मित करनी चाहिए जो सरल और एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होने चाहिए। अब देखिए, हमेशा टीचर प्रश्न पत्र बनाते हैं और बच्चे उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो परिच्छेद दिया जाएगा, आपको खुद प्रश्न की निर्मित करनी है। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। फिर सिर्फ प्रश्न का निर्माण करना है आपको परिच्छेद में। जब आप छोटी क्लास में थे, 5वीं से लेकर 7वीं तक में, तो आपको परिच्छेद दिया जाता था गद्य आकलन के लिए, लास्ट क्वेश्चन रहता था, 5 प्रश्न दिए रहते थे और आप गद्य खंड पढ़ते थे और उन प्रश्नों के उत्तर लिखते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गद्य खंड पढ़कर प्रश्नों की निर्मित करनी है, उत्तर आपको नहीं लिखना है। और जो आप प्रश्न निर्माण करेंगे, उस प्रश्न में आप ये वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि इस गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। ये वाला प्रश्न आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है? तो ये किसके बारे में था? गद्य खंड के बारे में था, जो गद्य खंड का आकलन आपको करना है और आपको परीक्षा में ये एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ठीक है?
आपके आपकी स्क्रीन पर गतिखंड आएगा और उसको मैं सॉल्व करके उसका एक प्रश्न, मैं उसके 5 प्रश्न बना के भी आपको दूंगी। उसके बाद जो अगला गतिखंड रहेगा उसमें गतिखंड को पढ़कर प्रश्न की निर्मिति आपको खुद करनी है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कहानी लेखन। ये भी उपयोजित लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रचना विभाग का। और जब हम कहानियाँ बोलते हैं, आप बचपन से कहानियाँ पढ़ते सुनते आए हैं, तो आपको कहानियाँ कौन सी अच्छी लगती है? जो रोचक होनी चाहिए या जिससे हमें कोई ना कोई सीख मिलती हो। तो कहानियों का बच्चा जब से पैदा होता है बड़े होने तक हमें कहानियों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई कला रहती है, तो ये कहानी लेखन हमें कैसे करना चाहिए, परीक्षा में आपको कहानी लेखन किस प्रकार से पूछा जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो परीक्षा में जो कहानी लेखन आता है वो 3 प्रकार से आपको पूछा जाता है। पहला, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। ये आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी लाइनें दी रहती हैं, फिर डाइजेस्ट रहता है, फिर थोड़ा से शब्द दिए रहते हैं, फिर डाइजेस्ट रहता है। मतलब आपको आधी अधूरी कहानी पता लग जाती है, आपको उसके अंदर शब्दों को, वाक्यों को फिल करके कहानी पूरी करनी रहती है, ठीक है। दूसरी है कहानी का शब्दों के आधार पर कहानी लिखना। ये अभी 3-4 साल से स्टेट बोर्ड में आया है, शब्दों के आधार पर कहानी लिखना। इसमें आपकी कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और दूसरी बात, आपको कोई कहानी अगर पहले से आती है, उस कहानी को आप दिए हुए शब्दों के साथ किस प्रकार कोरिलेट कर सकते हो, ये भी आप पर पूरा निर्भर करता है। तो शब्दों के आधार पर, जैसे मान लो आपको 3-4 शब्द दिए, केला, हाथी, दर्जी, तालाब, ठीक है, ये 4 शब्द दिए हैं। आपको अगर याद होगा तो आप छोटे जब थे 5वीं से लेकर 7वीं तक में, तो आप जो आप कहानी लेखन आपने किया होगा उसमें आप दर्जी और हाथी की आपने कहानी पढ़ी होगी, है ना। तो उस कहानी को आप ये दिए हुए 4 शब्दों के साथ इलाबरेट करोगे, इसको विस्तारित करोगे। तीसरी प्रकार की कहानी का आधार क्या है? सुवचन, मुहावरे या कहावतों के आधार पर। जैसे कर भला सो हो भला, एक सुवचन है, है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब इस सुवचन को आधार मानकर आपको अपनी एक कहानी लिखनी है, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, एक कहावत है कि जिसके पास ज्ञान कम होता है वो उसका बखान ज़्यादा करता है। तो आपको कुछ इससे घटित कोई घटना याद आ रही है या कोई कहानी आपको याद आ रही है जिसका अर्थ अंत में ये निकले कि जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा उसको दिखाता है। उस आधार पर भी आप कहानी का निर्माण कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि कौन कौन से प्रकार हैं जिन पर आधारित हमें कहानी लेखन परीक्षा में पूछा जाता है। अब कहानी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कहानी लेखन कैसे करना चाहिए, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सी बातें? रूपरेखा। आपको कहानी की जो रूपरेखा दी गई है उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
रूपरेखा ही आधार होती है कहानी को विस्तार देने के लिए। अब चाहे वो आपको रूपरेखा दे रहे, चाहे शब्द दे रहे, चाहे आपको कोई कहावत या मुहावरा दिए रहे, आपको जैसे कहानी जिस आधार पर लिखने के लिए मिलेगी, चाहे वो मुद्दे दे रहे, चाहे वो शब्द दे रहे, आप उसके आधार पर एक अपने दिमाग में कहानी की रूपरेखा बनाएंगे। क्योंकि दिमाग में जब हमारे कोई चीज़ बैठ जाती है तो उसे लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, रूपरेखा का विस्तार। अब हमने सोच तो लिया, अब कहानी सिर्फ सोचने से तो नहीं हो जाएगी ना, इसे लिखना भी पड़ेगा। तो कहानी का हमें विस्तार करना है, तो विस्तार करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। पहली चीज़, कहानी का जो विस्तार होगा वो क्रमानुसार होना चाहिए। आप जो भी घटना के आधार पर या जो भी आपने रूपरेखा बनाई है उसका क्रम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं कि आपको अगर जब जो लाइन याद आ रही है तो आप लिखोगे, ऐसे नहीं। जो आपने घटना सोची है, जो आपने बात सोची है, किस पर आधारित आपको कहानी लिखनी है, तो कहानी कैसी होनी चाहिए, क्रमानुसार होनी चाहिए, घटना के क्रमानुसार कहानी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें पात्र का, जगह का और घटना का उल्लेख होना आवश्यक है। फिर क्या है, भूतकाल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कहानी लेखन के लिए, जिसे बच्चे अक्सर गलती जिसको लिखने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बच्चे कहानी लिखते समय अक्सर गलती करते हैं। कहानी हमेशा भूतकाल में होना चाहिए, वो कहानी बन जाती है ना। तो जो घटना हो चुकी है, जैसे किसी शहर में एक जमींदार रहता था, हम कहानी बता रहे हैं उसकी, तो हमारी जितनी भी घटनाएं रहेंगी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इसमें रहेंगी, भूतकाल में वो कहानी हमारी रहेगी। फिर रोचक, कहानी में रोचकता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कहानी के अंदर आपके अंदर एक जिज्ञासा रहे कि आपकी कहानी को पढ़ रहा है, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या, तो आपकी कहानी के अंदर रोचकता रहनी चाहिए और आखिरी तक सस्पेंस बना रहना चाहिए। तुरंत आपको नहीं बता देना है कि आपकी कहानी का अंत क्या होने वाला है, क्योंकि कई बार पूरी कहानी पढ़ लो, जो अंत उसका निकलता है, कई बार ऐसी कहानी, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका अंत पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत रहता है, तो ऐसी कहानियाँ पढ़ने में रोचक होती हैं। दूसरा है प्रवाहमयी, हमारी कहानी में एक प्रवाह होना चाहिए कि हम पढ़ रहे पढ़ते जा रहे हैं, तो आज जैसा आप लिखेंगे वैसे ही पढ़ने वाला पढ़ेगा। कई कहानियाँ होती है ना हमारी मनपसंद रहती है, हम पढ़ते जाते उसमें गति रहती है, तो आपकी कहानी कैसी होनी चाहिए, थमी हुई सी बोर सी कहानी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक प्रवाह रहना चाहिए। फिर है सरल भाषा, जो कि सबसे ज़रूरी है, हम आम भाषा वाले लोग हैं, है ना, बच्चे छोटे रहते हैं, तो भाषा जितनी सरल रहेगी हमारे लिए कहानी पढ़ना उतना ही आसान रहेगा, समझना भी आसान रहेगा। फिर उसके बाद है कहानी को, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम पूरी कहानी लिख लेते हैं फिर हमको याद ही नहीं रहता कि हमको उनको शीर्षक भी देना है, टाइटल भी देना है। आप जब कोई कहानी पढ़ते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में पढ़ो, चाहे वो किसी मैगजीन में पढ़ो, तो कहानी का क्या रहता है, शीर्षक रहता है, टाइटल रहता है ना, जैसे आप पाठ पढ़ते हो हर पार्ट के ऊपर उसका शीर्षक दिया रहता है, चाहे वो कविता रहे, चाहे पाठ रहे, गद्यकांड रहे, चाहे पूरा पठन रहे, उसी प्रकार जैसे आप कहानी लिखोगे एकदम सेंटर में टॉप में शीर्षक लास्ट में मत लिखना, बच्चे फिर ये गलती करते हैं पूरी कहानी लिखने के बाद आखिर में शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक जो शब्द है वो शीर्ष से बना है, और जो शीर्ष का मतलब होता है ऊपर, मस्तक, ऊंचा, समझ आया। तो शीर्षक हमेशा कहानी के प्रारंभ में
इसमें लिखा जाता है। बीचों बीच आप क्या लिखोगे, कहानी का शीर्षक, कहानी का नाम लिखोगे, उसके बाद आप कहानी शुरू करोगे। ठीक है, अब एक बार कहानी को बहुत बड़ा या बहुत ही छोटा नहीं लिखना है। ठीक है, कहानी लेखन में कम से कम 3 अनुच्छेद में, बार बार बोल रही हूँ, कहानी में 3 अनुच्छेद होना आवश्यक है मिनिमम। नहीं तो लोग 5 अनुच्छेद वाली कहानी भी लिखते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास परीक्षा में नहीं रहता कि हम एक प्रश्न के लिए इतना बड़ा आंसर लिख सकें। तो कहानी हमारी कम से कम 3 परिच्छेद में, अनुच्छेद में होनी चाहिए। प्रथम परिच्छेद में आपके कहानी की, कहानी का प्रस्तावना हो जाएगा, कहानी का प्रारंभ हो जाएगा जो बहुत ही रोचक होगा, संक्षिप्त होगा। फिर जो बीच वाला पैराग्राफ रहेगा, बीच वाला अनुच्छेद रहेगा, उसमें आपकी कहानी की घटना का विस्तार होगा। और तीसरा जो पैराग्राफ आपका रहेगा वो कहानी का अंत रहेगा, जिसमें आपको आखिर में कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखनी है। मिनिमम 3 पैराग्राफ में, 3 परिच्छेद में आपकी कहानी होनी चाहिए। कहानी में शीर्षक लिखना जरूरी है और कहानी भूतकाल में होगी। इसके बाद मैं आपको 3 मुद्दों के आधार पर एक एक कहानी वीडियो में डाल रही हूँ, जिसे आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे। जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाते हो तो जो आपको कॉपी में लिखवाया जाता है वही कहानी आएगी, ऐसा कदापि नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहानी लेखन और गद्य आकलन बहुत ही विस्तार से समझाया है कि आपको परीक्षा में कोई भी कहानी आ जाए, किसी भी मुद्दे पर आधारित आ जाए कहानी, अगर आपको लिखने का ढंग पता है तो आप कोई भी कहानी लिख सकते हो। किसी भी गद्य का आप आकलन करके 5 प्रश्नों की निर्मित कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर में अपनी पढ़ाई करते रहिए।